किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान आपका अपना सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की राम राम। तो दोस्तों, आज हम श्याना मंडी में आए हैं और चारों तरफ आलू की भरमार है। किसान जो है परेशान है, किसान बौखलाया हुआ है। तो आइए मिलते हैं कि आलू की क्या दुर्दशा हो रही है मंडी के अंदर और इनके लेनदार हैं या नहीं है। नया आलू मंडी में आ चुका है, देखिए कितना बढ़िया आलू किसानों ने पैदा किया है, लेकिन किसानों को इसका बिल्कुल भी रेट नहीं मिल रहा है। आलू की बिल्कुल मिट्टी पिटी हुई है एक तरीके से। किसान जाएं तो कहां जाएं, पूरी लागत लगाते हैं किसान, रात में अंधेरे में समय लगे रहते हैं, लेकिन किसानों को उनका वाजिब दाम नहीं मिलता है। देखिए कितनी अच्छी लागत लगाई किसानों ने, बारिश सही, बारिश में बर्बाद भी हुए, उसके बाद भी किसानों ने इतनी मेहनत करके और ऐसा आलू तैयार किया है, लेकिन किसानों को उनका वाजिब रेट नहीं मिल रहा है। तो किसान कहाँ जाएं? देखिए किसान की लागत, पहले आलू का बीज तैयार करना, खरीद के लाना, खेत तैयार करना, जुताई करना, उसके बाद आलू को बोना और बोने के बाद में उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाना और मिट्टी चढ़ाकर फिर रात में अंधेरे में पाले में ठंड में इसमें पानी लगाना। उसके बाद जब आलू पकने को होता है उससे भी पहले प्रकृति का भी प्रकोप झेलना पड़ता है, जैसे कि बारिश, ओला इत्यादि। साथ ही साथ जब इसकी खुदाई होती है तब भी इसमें लेबर लगती है, खर्चा होता है, और जब यह आलू मंडी जाता है तो आलू का वाजिब दाम किसानों को नहीं मिलता। इधर देखिए आलू के ढेर लगे हुए हैं, नया आलू पुराना आलू सारा का सारा यहाँ पर लगा हुआ है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन खरीदार मंडी के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए अभी हमारे आरती कुंवरपाल सिंह हैं, इनसे हम बात करते हैं। कुंवरपाल सिंह जी, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जी। आपसे हमने पहले भी बात की थी, आप किसानों के फेवर में बड़े अच्छी तरीके से बोलते हैं आरती होने के बाद भी। तो ये जो आलू मंडी में आ रहा है और इसका कोई लेनदार भी नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखो जी, आलू का मंदा है, कोई लेने वाला नहीं है जी। इस पे तो गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। किसान आलू का किसान बेकार हो चुका जी, कुछ नहीं है, खर्चे भी नहीं निकल रहे। लागत आ रही है 10,000 रूपए बीघे की और आलू जो बैठ रहा है वो बैठ रहा 5,000 रूपए बीघे का जी। और बिजली भी महंगी हो गई, हर चीज का दाम बढ़ गया। खाद 45 किलो का हो गया जी, खाद भी टाइम से नहीं मिल रहा, DAP नहीं मिल रही। अब किसान करे तो क्या करे, बिल्कुल किसान मजबूर है पूरी तरह, और इन्हें बिजली का बिल तो पूरी तरह खत्म ही कर देना चाहिए किसानों का। किसानों के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचती है गवर्नमेंट तो कुछ भी हो सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए आप, किसानों ने पहले बारिश में बर्बाद हो गए, उनका आलू की फसल बेकार हुई, फिर उन्होंने मेहनत की, रात दिन एक किया, उसके बाद में अब साये भी खत्म हो चुके हैं, जो साये में थोड़ा सा आलू महंगा हो जाता है, एक महीने तक कुछ नहीं है। तो किसानों को ये माल कहाँ जाए, कहाँ बेचें? कहाँ जाए, जब हर मंडी में यही स्थिति है जी, हर मंडी में यही हो रहा है जी, नहीं बिक रहा माल जी। तो जिस तरीके से सरकार जो है गेहूं के लिए और क्या नाम है ये धान के लिए जो लेवी पर लेती है, तो इनको भी किसानों को लेना चाहिए, किसानों का माल या आलू लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए और इसका भी रेट कम्प्लीट कर देना चाहिए, इसका भी रेट जो है होना चाहिए कि भाई ये किसानों के आलू को भी सरकार को MSP रेट पर लेना चाहिए, जिससे कि किसानों को घाटा ना हो। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। जब ही किसानों का थोड़ा भला हो सकता है, नहीं होगा कुछ जी। किसान कर्ज में दबा हुआ है पूरी तरह, बिल्कुल दबा हुआ है किसान, किसान की हालत खराब है जी, जी, जी। कभी तो दाम आसमान को छू जाते हैं जब किसान के पास नहीं होता। एक बात बताओ, और उसके बाद जब किसान के पास होता है तो इस तरीके से ये हालत होती है। आप एक बात बताओ, एक महीना के लिए तेजी आ गई जी किसानों के पे, तो मीडिया वालों ने गर्दन मचा लेते हैं जी, जी, जी। अब कोई मीडिया वाला ने दिखाता जब ये मंदा रहा है, ये बिकने को कोई तैयार नहीं है। नहीं देखिए हम दिखा रहे हैं, डेढ़ मीडिया एक आप बताऊंगा मैं, 150 रूपए का मील का भाड़ा है जी, ये 40 रूपए का किराया आया है गाड़ी का जी, ठीक है जी, 190 रूपए का, 150 रूपए का बिकने के लिए आलू तैयार नहीं है जी, जी, जी।
तो क्या करेगा किसान? एक वो सामने खड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं। सही बात करो। हाँ, इनसे बात करते हैं। आप अपना थोड़ा परिचय दें। सर जी, मेरा नाम दर्शनपाल सिंह और इस मंडी से काम करता हूँ, श्याना मंडी से। श्याना मंडी भारतीय मंडियों से भी काम करता हूँ। अच्छा, मोदी जी का जो 3 सूत्रीय कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा था जी। हम यहाँ से आलू खरीद कर पलवल, हरियाणा और राजस्थान तक, भिवाड़ी तक बेच रहे थे। अच्छा, आज मंडी समिति वाले गेट से हम मंडी से, जब मोदी का जो 3 सूत्रीय कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा था जी। हम यहाँ से लेकर आलू सीधा हरियाणा बेच रहे थे। अच्छा, अब इसे लेकर कहाँ जाए? गेट पे ही मंडी समिति वाले पकड़ रहे हैं। कब खुला था किसान? कहीं अपने माल को ले जाओ, कहीं बेच जाओ जी। अब यहाँ का माल यहाँ, श्याने का माल श्याने में रहेगा। यानी कि वो माल फिर रुक चुका, जैसे माल फिर पहले की तरह रुक चुका, तो फिर ये आलू जाएगा कहाँ? कानून खत्म होने के बाद में ये हमें परेशानी हुई है। कानून बहुत अच्छा था, वो कानून सही किया था मोदी जी। मोदी जी का कानून बहुत अच्छा था। अच्छा, कि हम अपने माल को हरियाणा में बेच रहे थे, राजस्थान में बेच रहे थे जी। आज हम यही का माल यही डंप पर खड़ा, कहाँ लेके जाएं? लेके जाएंगे? मैं खरीद लूंगा इसे जी, आलू को मैं ही खरीद लूंगा, पर कहाँ लेके जाऊँ? कहाँ लेके जाऊँ? घाट के रूप कहाँ गे रूप? बताइए, ये हमारे व्यापारी है, ये कितने दुखी है किसानों की तरफ से, कि ये मैं कह रहे हैं कि इसको मैं पूरे को मैं खरीद लूंगा। मैंने कहा 3-3 गाड़ी मैंने लोड करी है, अब कह जाओ मंडी समिति में, मंडी समिति का आदमी यही गेट में पकड़ लेगा। लाओ टैक्स, जब कोई टैक्स नहीं था, किसान अपने माल को कहीं भेजो, हरियाणा भेजो, गुजरात भेजो, राजस्थान भेजो। मोदी जी का जो नियम था वो बढ़िया था, लेकिन कानून जो हमारे ये टिकैत टिकैत के घर भेजे सबले माल को, पूरा माल टिकैत के घर भेजो। भाई ये भाड़े पे आदमी ले जाकर बैठा दे बॉर्डर पे, और वो जो है अब उठ करके चले गए। ये सब टिकैत के घर भेजो माल, सबला वही भेजो। सही कह रहे हैं, ठीक है जी। देखिए किसान के माल की किस तरीके से बोली लगाई जाती है। 10 किलो 60 के दूं, 60 के बेहतरीन मट्टी पर 65 का 70 रुपए का लीटर करिए। कितना के बिका भाई ये? 370 रुपए का। 370 रुपए का कितना है इसमें वजन? 50 किलो के आसपास। 50 किलो ऊपर। अच्छा, तो कितने रुपए किलो पड़ गया? 6 रुपए किलो, 6-7 रुपए किलो पड़ेगा कम से कम। अभी बोली लगी थी ये किसान का आलू 7 रुपए किलो किसान को रेट मिले हैं। अब देखिए, ये हमारे किसान भाई हैं जिनका ये आलू है, अब इनसे हम मालूम करते हैं कि इनकी कितनी लागत लगी है इसमें और कितना इनको प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। आपका आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं चांदपुर का रहने वाला हूँ। आपका नाम? नाम रामगोपाल है। अच्छा, तो ये आलू आपका ही है? हाँ, आलू मेरा ही है। बोली लगी थी? हाँ, मेरा ही है। रामगोपाल जी, आपने ये कितने एरिया में ये आलू लगाया था? ये 1 बीघे में लगा हुआ जी। 1 बीघे में? तो 1 बीघे में आपकी जो लागत लगी है वो कितनी थी? 5,000 रुपए की लागत आई इसमें। 5,000 रुपए की। उसमें आलू कितना बोया था आपने? 4 कट्टे आलू बोया। 4 कट्टे आलू आपने बोया 1 बीघे में। अच्छा, उसमें पैदा कितना हुआ है? पैदा हुआ ये 2 कट्टे बस। ये सिर्फ 2 कट्टे पैदा हुए हैं। देखिए, किसान ने बारिश की मार सहते हुए नुकसान के साथ ये सिर्फ 2 कट्टे इनको मिले हैं, और इनकी मेहनत, इनकी लागत जो ये बता रहे हैं कि 5,000 रुपए जो इनकी लागत लगी है, और इनको सिर्फ 7 रुपए किलो के हिसाब से इसका पैसा मिला है, वो भी 2 कट्टों का। तो ये कितने से बिके, कितने पैसे मिल गए आपको दोनों के? इनके बैठे हैं अब 600 रुपए के लगभग। सिर्फ 600 रुपए। तो देखिए किसान भाई इस तरीके से मारे जाते हैं। इन्होंने जो है 5,000 रुपए की लागत लगाई, रात दिन एक किया, 1 बीघा में जो है 4 कट्टे आलू बोए, और वो कट्टे जो आलू आपके बीज में लिया होगा वो 600 रुपए का कट्टा है। वो 600 रुपए का, यानी कि 2400 रुपए के कट्टे इनके जो है बीज के लगे थे, और सिर्फ उसमें 2 कट्टे पैदा हुए हैं 600 रुपए, 600 रुपए के इनके बिके हैं। तो किसान गया घाटे में, तो किसान क्यों नहीं बौखलाएगा, किसान क्यों नहीं नाराज होगा? वीडियो के अंत में मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारी दी गई जानकारी और कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।